नीमच में कृषि उपज मंडियों में मॉडल एक्ट लागू करने के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी संघ हम्बाल तुलावटी 5 दिन से हड़ताल पर थे। सोमवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर मोर्चे की मांगों का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। यदि सरकार ने समय पर मांगों का निराकरण नहीं किया तो 22 सितंबर से कर्मचारी फिर से हड़ताल शुरू कर देंगे। हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद आज से कृषि उपज मंडी की नीलामी शुरू हो गई है और आज करीब 20,000 बोरी की आवक भी है। इसके 15 दिन के आश्वासन के अंदर हमने मंडी हड़ताल खत्म करी। अगर 15 दिन के अंदर निकाल नहीं निकला तो हम 22 तारीख बाद फिर आंदोलन चालू करेंगे। हमारी मांगे थी कि मंडी में ही ढेर होए और पूर्व की तरह मॉडल एक्ट इसको वापस लिया जाए। इसके अंदर कितने बेरोजगार होंगे, हम्माल तुलावटी ठेले टेम्पो वाले सब बेरोजगार होंगे, उसमें किसानों को ही नुकसान है। कि हड़ताल 7 दिन तक थी और 7 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय के आश्वासन 15 दिन के आश्वासन के पे मंडी ख़त्म हुई है। और अगर 15 दिन बाद अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो फिर 22 तारीख से फिर हम वापस से हड़ताल पर जाएंगे। मंडी आज 5वें दिन चालू हो गई है और कल ही घोषणा हो गई थी इसकी, लेकिन घोषणा देर से हुई थी तो किसान भाइयों को सूचित करने में टाइम लगा। शाम को किसान भाइयों को सबको सूचित कर दिया गया, हम्बाल भाइयों व्यापारी भाइयों को। आज मंडी विधिवत सुचारू है और करीब 20,000 बोरी माल आया है। नीमच से दीपक अदावे की रिपोर्ट।